हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसडी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा। टुडेज आवर टॉपिक इज रियल वेजेस वर्सेस नॉमिनल वेजेस। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं रियल वेजेस और नॉमिनल वेजेस के बीच में अंतर क्या होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजेस। सबसे पहले हमें यह पहचानना पड़ेगा कि वेजेस क्या होते हैं। वेजेस मीन्स जब वर्कर किसी भी रूप में काम कर रहा है, फिजिकली और मेंटली, और उसके बदले में उसको जो पे किया जाता है उसको हम बोलते हैं वेजेस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वेजेस के बारे में डिटेल जानना है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजेस पहचानने हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो हमारा है रियल वेजेस और नॉमिनल वेजेस के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेजेस हैं, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस पता नहीं चल पाता है हमें रियल वेजेस और नॉमिनल वेजेस के बीच में। तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। सबसे पहले हम देख रहे हैं नॉमिनल वेजेस। नॉमिनल वेजेस आर द वेजेस रिसीव्ड बाय अ वर्कर इन द फॉर्म ऑफ मनी। नॉमिनल वेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड मनी वेजेस। हर वो वेजेस जो एक वर्कर मनी के फॉर्म में रिसीव कर रहा है, वो मनी के फॉर्म में इसलिए रिसीव कर रहा है क्योंकि उसने काम किया है। तो एक वर्कर जब काम करता है और उसको वेजेस रिसीव्ड हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, इसे हम बोलते हैं नॉमिनल वेजेस। इन द सेकेंड टर्म हम नॉमिनल वेजेस को मनी वेजेस भी कह सकते हैं। वेयर एज रियल वेजेस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ वर्कर कैन परचेज फ्रॉम हिज और हर नॉमिनल वेजेस। तो नॉमिनल वेजेस वो होते हैं जब एक वर्कर जितना उसको नॉमिनल वेजेस मिल रहा है उससे कितने गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकता है। इट मीन्स परचेजिंग पावर रियल वेजेस में कैलकुलेट किया जाएगा, वेयर एज नॉमिनल वेजेस में हम परचेजिंग पावर नहीं देख रहे। परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि हमारे पास जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम से हम कितने गुड्स या कितने सर्विसेज खरीद सकते हैं। इट मीन्स अगर इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई बढ़ती है, तो हमारा परचेजिंग पावर कम हो जाएगा और हमारा रियल वेजेस भी कम हो जाएगा। वेयर एज इन्फ्लेशन नॉमिनल वेजेस को कहीं पर भी इफेक्ट नहीं करता। इन शॉर्ट, रियल वेजेस वो वेजेस होते हैं जब हमारे पास जितने भी वेजेस, नॉमिनल वेजेस जितने भी हमारे पास है उससे हम कितने गुड्स और सर्विसेस परचेज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं रियल वेजेस। आइए फ्रेंड्स, इसे एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ रियल वेजेस एंड नॉमिनल वेजेस। एन एप्पल इज ऑफ रुपीज 10। अगर एप्पल की प्राइस मार्केट में 10 रुपीज है और आपका वेजेस है रुपीज 100, तो इस समय आप बाय कर सकते हैं 10 एप्पल को। बट इफ प्राइजेस ऑफ एप्पल राइजेस टू रुपीज 20, अगर एक एप्पल की प्राइस 20 रुपीज तक बढ़ जाती है और आपका जो नॉमिनल वेजेस है वो अभी भी 100 तक ही है, तो इस केस में आपका रियल वेजेस डिक्रीज हो जाएगा और आप सिर्फ 5 एप्पल ही खरीद पाएंगे। इन शॉर्ट, अगर महंगाई बढ़ती है तो नॉमिनल वेजेस वही रहेंगे, उनको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारे रियल वेजेस कम हो जाएंगे। इन शॉर्ट, रियल वेजेस इज द परचेजिंग पावर टू बाय द प्रोडक्ट। हम कितना प्रोडक्ट या गुड्स और सर्विसेज बाय कर सकते हैं उसे हम कहते हैं रियल वेजेस। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।